काफ़ी सालों से आप लोग यूएसबी पोर्ट्स अपने सारे डिवाइसेस में देखते आ रहे हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से लेकर कंप्यूटर डिवाइसेस तक। पर 2018 में यूएसबी टाइप सी पोर्ट को यूएसबी की फैमिली में ऐड कर दिया गया। आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों पहले बात करते हैं ये यूएसबी टाइप सी पोर्ट होता क्या है। यूएसबी टाइप सी को डेवलप किया था यूएसबी इम्प्लीमेंटेड फोरम 2013 में और मास प्रोडक्शन में 2018 में लॉन्च किया गया। ये कनेक्टर आपका एक रिवर्सिबल ओवल शेप में आता है जो कि बिल्कुल अलग है पुराने यूएसबी कनेक्टर से जो रेक्टेंगुलर होते हैं। यही रिवर्सिबिलिटी आपके डिवाइस को किसी भी ओरिएंटेशन के केबल से चार्ज करने में मदद करती है या फाइल ट्रांसफ़र करने में। यूएसबी इम्प्लीमेंटर फोरम ने यूएसबी सी को डेवलप किया था यूएसबी 3.1 स्टैंडर्ड के ऊपर। ये स्टैंडर्ड पर्टिकुलरली हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र के लिए बनाया गया था और आजकल कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर सब यूएसबी टाइप सी पोर्ट यूज़ करने पसंद करते हैं। यूएसबी सी को डेवलप हुए 4 साल हो चुके हैं और इसमें काफ़ी सारे अपडेट आ चुके हैं। एप्पल के थंडरबोल्ट 3 पोर्ट को काफ़ी अच्छी टक्कर देने में ये सक्सेसफुल हो चुका है। हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र रेट, चार्जिंग और ऐसे काफ़ी मामलों में यूएसबी टाइप सी ने थंडरबोल्ट 3 पोर्ट को एक काफ़ी अच्छा टक्कर दिया है। ना कि बस फाइल ट्रांसफ़र बल्कि यूएसबी सी पोर्ट्स आपके डिवाइस को एक्सटर्नल जीपीयू डिस्प्लेस और तो और आपके डिवाइस में फास्ट चार्जिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। हालांकि यूएसबी सी 3.1 स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज़ करता है पर ये नॉर्मल यूएसबी 3.1 प्रोटोकॉल यूज़ नहीं करता बल्कि यूएसबी 3.1 जनरेशन 2 प्रोटोकॉल यूज़ करता है जो कि दुगना डाटा ट्रांसफ़र परफॉर्मेंस देता है कंपेयर टू जनरेशन 1 यूएसबी 3.1 प्रोटोकॉल। आप अभी सोच रहे होंगे यूएसबी सी को इतना फास्ट बनाता क्या है। अगर आप सोच रहे हैं इसका शेप साइज या ये नया है इसलिए तो आप गलत समझ रहे हैं। इसे इतना फास्ट बनाता है इसमें लगे टेक्नोलॉजी ने। लेट 2015 तक थंडरबोल्ट 3 मार्केट में नया आया था जो कि स्पेसिफिकली यूएसबी सी पोर्ट्स के ऊपर बेस्ड था। आपको थंडरबोल्ट 3 ज़्यादा कुछ नहीं करता बल्कि सिर्फ कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा देता है। आज के टाइम में हम सब फास्टर फाइल ट्रांसफ़र, हाई एंड गेमिंग एक्सपीरियंस और कुछ केसेस में 4K डिस्प्लेस यूज़ करना पसंद करते हैं। चलते हैं यूएसबी पावर डिलीवरी स्टैंडर्ड्स पर। यूएसबी स्टैंडर्ड काम करता है स्पेसिफिक कंडीशंस पर जो कि आपके डिवाइस को चार्ज करते हैं। पहले के यूएसबी वर्जन पोर्ट्स में एक स्मॉल अमाउंट का इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर होता था जो कि बेसिकली आपके एक माउस या फिर एक कीबोर्ड का चलाता था। पर अब यूएसबी सी अलाउ करता है फुल 100 वाट। बेसिकली जहाँ आपका सिर्फ अपने माउस या कीबोर्ड को चला सकते थे या चार्ज कर सकते थे आज उसी से आप अपना लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं। पर दोस्तों कुछ भी अगर नया है उसके साथ कुछ तो डिसएडवांटेजेस आते ही रहते हैं। इसीलिए इतने के बावजूद भी लोग यूएसबी टाइप सी को स्विच करने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं और वही यूएसबी टाइप ए और टाइप बी और या फिर माइक्रो यूएसबी में ही लगे रहते हैं। अब यूएसबी टाइप सी काफ़ी डिवाइस में हेडफोन जैक को भी रिप्लेस कर चुका है। लोग यूएसबी टाइप सी से इतना अक्वेंटेड नहीं हो रहे हैं। और अगर मैं आपको बताऊं हमें तो अभी तक नहीं पता पर क्या पता कंपनीज नए टेक्नोलॉजी बनाने में ऑलरेडी लग चुके हैं और यूएसबी टाइप डी हमें काफ़ी जल्दी मिल जाए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट हमें कमेंट में बताइए। और तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइए। मैं हूँ अनिकेत और मैं आपको मिलता हूँ हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।